हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कनाडा में बैंक कैसे होते हैं और बैंक का सारा सिस्टम कैसे होता है। इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि यहाँ पर दो तरीके के बैंक सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। वैसे तो काफ़ी सारे बैंक हैं, लेकिन दो हैं जो सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। जो एक आता है स्कॉशिया बैंक और दूसरा आता है CIBC। आज के इस वीडियो में मैं CIBC बैंक दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा जो अकाउंट है वो CIBC बैंक में है। इसके अलावा स्कॉशिया बैंक भी होता है। मैंने CIBC क्यों चूज़ किया, उसके पीछे भी कुछ रीज़न है, तो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अभी आप थोड़ा सा टूर देखें और साथ साथ थोड़ी सी बातें करते हैं। तो इंडिया से आने से पहले आपको एक GIC सबमिट करनी होगी, ग्रांटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट होता है, तो वो आपको इंडिया से करना होता है। तो आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शन होती हैं, उन ऑप्शन में मैंने CIBC चूज किया। ज़्यादातर लोग तो स्कॉशिया को ही प्रेफर करते हैं, मैंने CIBC इसलिए प्रेफर किया था। पहले तो CIBC में सिर्फ $150 चार्जेज होते हैं, लेकिन जो स्कॉशिया बैंक है वो $200 चार्ज करता है। इसका मतलब है कि अगर 10,000 के ऊपर $150 फीस लेंगे वो, और स्कॉशिया 200 लेता है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही थी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, वो आ जाती है जी कि CIBC है ना, उसका जो इंटरेस्ट रेट है एज़ कम्पेयर टू स्कॉशिया बैंक काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा है मतलब पॉइंट्स ज़्यादा हैं काफ़ी। तो इस कारण से मैंने CIBC प्रेफर किया था। और तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ आती है, वो आती है कि CIBC में मेरे ब्रदर का बैंक भी अकाउंट भी था ऑलरेडी, तो उनका एक रेफरल प्रोग्राम होता है जिसमें $25 जो नया बंदा खोल रहा है और जिसने रेफर किया उसको $25, दोनों को $25 मिलते हैं। तो वो एक तरीके से $50 और हमारे से। कनाडा में मुझे एक चीज़ बहुत बढ़िया लगी यार, यहाँ पे लोगों की प्रोटेक्शन के लिए काम बढ़ा करते हैं। अभी सामने जैसे आप देख सकते हैं वहाँ रिपेयर चल रही है, और उसी से पहले उन्होंने ऐसे यहाँ पे करके कोडिंग या सिग्नल लगा दिया कि भाई आगे थोड़ा रिस्क है, ध्यान से गाड़ी चलाओ, अब मैं रिस्क चलाओ। और ऐसे पूरे रास्ते में आपको देखने को मिलेगा ऐसे कोडिंग भी लगी हुई है, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। काफ़ी लोगों के मन में कुछ नहीं राइज हुआ होगा कि यार SBI भी कर सकते थे, ICICI भी कर सकते थे, वो तो ईजी है हमारे लिए, इंडिया में भी उनके ब्रांचेज हैं। तो यार जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पे उनकी ब्रांचेज हैं, तो वो आपको ज़्यादातर ब्रैम्पटन टोरंटो इन साइड्स में देखने को मिलेगी। और स्कॉशिया बैंक और जो CIBC बैंक है उनकी तो पूरे कनाडा में 1,000-1,200 के आसपास की ब्रांचेज हैं, तो जिस कारण से मैंने उनको प्रेफर किया। एक और चीज़, यहाँ पर बैंक में आप सीधा नहीं जा सकते हैं, जैसे अपने इंडिया में क्या है कि कुछ नहीं था, बस जाओ अपना जो भी है प्रोसेस करो। यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट बुक करानी पड़ती है, जो कम से कम तो 1-2 हफ्ते पहले होती है। मैंने भी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा रखी थी। मैंने आके सबसे पहले यही काम किया था, अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए कस्टमर केयर नंबर है, आप इंडिया से भी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और टोल फ्री नंबर होते हैं वहाँ से, बढ़िया रहेगा। CIBC बैंक वो सामने है स्कॉशिया बैंक, तो ऐसे ही आपको नॉर्मली भी हर जगह देखने को मिलेगा। कभी बस बैंक के अंदर जाते हैं, मुझे लगता नहीं है वीडियो शूट कर पाऊंगा, क्योंकि थोड़ा बहुत ट्राई करूंगा। सबसे बढ़िया बात, मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़े थे वो, तो काफ़ी ज़्यादा ही हमारी आपस में बातें हुई, मुझे बहुत बढ़िया लगा हमसे बात करके। एंड मेरे मतलब दिमाग में बड़े खड़ा था कि क्या पूछेंगे, क्या कुछ नहीं पूछते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स लेंगे जाना प्रॉपर और सब कुछ आपको वो करके दे देंगे। यहाँ पर मैंने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों इशू करा लिए, अपना सेविंग अकाउंट भी ओपन कर लिया है। होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो एक अच्छा सा लाइक फेंक देना। मिलते हैं आपको ऐसी और वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय।